विंडो आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल मर्ज के बारे में, ठीक है। इससे पहले भी मैंने मेल मर्ज का वीडियो बनाया था, आज और इस वीडियो में हम अच्छे से मेल मर्ज को सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको पता है मेल मर्ज में हम एक ही डॉक्यूमेंट में, है ना, बहुत सारे लोगों के लिए लेटर हम क्रिएट कर सकते हैं मेल मर्ज के माध्यम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेलिंग टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का ग्रुप है जिसमें हम स्टार्ट मेल मर्ज का बटन है उसमें क्लिक करेंगे, है ना। कुछ यहाँ पे ऑप्शन ओपन हुए हैं जिसमें हमको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में एक पेन ओपन होगा मेल मर्ज का, यहाँ पे आपको लेटर में क्लिक करना है क्योंकि लेटर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। फिर सेलेक्ट रिसिपियंट बोर्ड है, रिसिपियंट मतलब जिसके लिए आपको लेटर बनाना है ना। तो यहाँ पे टाइप ए न्यू न्यू लिस्ट लिखा है ना, जैसे उसमें हम रेडियो बटन में क्लिक किए, उसके बाद क्रिएट ऑप्शन में क्लिक किए, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ है न्यू एड्रेस लिस्ट करके। अब यहाँ पे हम उन सभी व्यक्तियों का पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे, है ना, जिनको जिनको हम हमको लेटर भेजना है या फिर जिनके लिए हमको लेटर बनाना है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे फील्ड दिए हैं, है ना। तो इस तरीके से जैसे सिटी, एड्रेस, नेम, फर्स्ट नेम, ऐसे करके पूरा दिया है, जीप नंबर, कंट्री जैसे इंडिया, ऐसे करके। उसके बाद जैसे अब नया बनाना है तो यहाँ पे न्यू एंट्री में क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक किए, नीचे में एक और, है ना, एक और बन गया। यहाँ पे आप अपना पूरा यहाँ पे एड्रेस बना सकते हैं, एड्रेस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स की सहायता से, ठीक है। न्यू एंट्री करते जाएंगे, नया फील्ड एंट्री के लिए यहाँ पे आपको, है ना, नीचे के लाइन में आपको जगह मिलते जाएगा, ठीक है। और एक बार ये जितने लोगों के लिए आपको बनाना है ना, सबका एंट्री हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे में ओके बटन दिया है, उसमें आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। ओके बटन में क्लिक कर दिए, उसके बाद अब इस एड्रेस लिस्ट को आपको सेव करने के लिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, सेव एड्रेस लिस्ट, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए बोल रहा है ना, इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपको टाइटल पहले प्रिंट करना है, दिखना चाहिए, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से। ये हो जाने के बाद आपको जस्ट ओके बटन में क्लिक करना है ना, बाकी सब ठीक है ना। चलो ये हो गया, अब यहाँ पे ओके बटन में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अब यहाँ पे लेटर लिखेंगे, है ना, मेन डॉक्यूमेंट जो कि लेटर में कामन रहता है। एड्रेस आपका चेंज रहेगा, है ना, व्यक्तियों का नाम और एड्रेस चेंज रहेगा, है ना, डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे, है ना, इनविटेशन लेटर बनाना है, जैसे एनुअल फंक्शन हो रहा है किसी स्कूल में, तो उसके लिए जैसे मान लो आप कुछ लोगों को आपको इनवाइट करना है, तो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, जो मेन कंटेंट है वो तो सेम रहेगा, जैसे कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 1 जनवरी 2023 इन आवर स्कूल, सो यू आर इनवाइटेड टू आवर एनुअल फंक्शन, ऐसे करके, फिर योर्स, ऐसे करके। तो एक छोटा सा ये कंटेंट आपका सेम रहेगा, है ना, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं रहेगा, और भेजने वाले का जो इनवाइट कर रहा है उसका नाम सेम रहेगा। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एड्रेस ब्लॉक को यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, है ना, जो कि हम पहले से
बना के रखे हैं, अभी हम क्रिएट किए थे, ठीक है। यहाँ पे डियर के नीचे में हम है ना, जैसे अब यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक में क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक करके डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे उसका फॉर्मेट देख सकते हैं, जो एड्रेस प्रिंट होगा वहाँ पे, है ना। ओके बटन में क्लिक करना है, ठीक है। चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। चलो ये देखो एड्रेस ब्लॉक है ना, ये प्लेस होल्डर है, मीन्स ये उसमें पूरा एड्रेस छुपा है ना। नाउ अब चाहे तो यहाँ पे ग्रीटिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीटिंग मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ऊपर में डियर करके। यहाँ पे व्यक्ति का नाम ना लिख करके यहाँ पे मैं जैसे एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है ना क्लिक किए, उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमारा लेटर बन करके रेडी हो गया है ना। यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे फंड को छोटा बड़ा करना है ना, मार्जिन सेट करना है, फॉर्मेट करना है, ये सब चीज, ठीक है। ये हो गया। चलो उसके बाद मेलिंग टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे या आ रहा हो ऐसे करके, फिर ये नेक्स्ट बटन में क्लिक करते जाएंगे, आपका नेक्स्ट जो लेटर है वो दिखते जाएगा, है ना। ये देखो ये चौथा नंबर का है ना। फिर यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज मैं क्लिक किए, उसके बाद फिर आपका है ना फिनिश। तो इस तरीके से मेल मर्ज में हम मेल मर्ज की सहायता से कहना चाहिए बहुत सारे लेटर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचता है, इसको आप सेव करना चाहें तो सेव कर करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारा मेहनत भी बचता है, हम एक ही लेटर में बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएट कर लेते हैं। हमको केवल उन व्यक्तियों का नाम और एड्रेस एक बार टाइप करना पड़ता है, उसके बाद लेटर तो आपका सेम है, फिर हम दोनों को मर्ज कर देते हैं, है ना। फिर हमारा लेटर है ना एक ही टाइम पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये देखो पूरा लेटर है ना 5-6 लोगों के लिए मैं यहाँ पे है ना क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेल मर्ज प्रोसेस किया जाता है MS वर्ड में, ठीक है। ओके, थैंक यू।